गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज। सबसे पहले हम लाइसोसोम का डायग्राम देखते हैं। देखिए, सेल का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आप देखिए, राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन के पास, ये लाइसोसोम कहलाता है। अब हमें इसमें डिस्कस करना है कंटेंट्स, डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन, अक्रेंस, मॉर्फोलॉजी, शेप एंड साइज, अल्ट्रास्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम, केमिकल नेचर ऑफ लाइसोसोम, ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम और बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एंड माइक्रो बॉडीज। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। क्रिश्चियन डी ड्यूवे डिस्कवर्ड लाइसोसोम इन 1955। क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे डी ड्यूवे, इन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की। इन 1949 ही वाज स्टडिंग इंसुलिन एक्शन, वांटेड टू फाइंड लोकेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ऑन लिवर सेल। 1949 में वो स्टडी कर रहे थे इंसुलिन एक्शन की और वो लोकेशन देखना चाह रहे थे लिवर सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। डी ड्यूवे एंड कलीग्स रेपिटेड द रेड लिवर सेल एंड देन फ्रैक्शनेटेड द सैंपल्स यूजिंग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डी ड्यूवे और उनके कलीग्स ने रप्चर्ड की, रेड लिवर सेल को रप्चर किया और उसका फ्रैक्शन बनाया और उसको फिर उसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब सेंट्रीफ्यूज में डालकर उन्होंने लिवर सेल को देखा तो उनमें उसने इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी। दे फाउंड सेक्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड फॉस्फोटेस, लेटर डी ड्यूवे कॉइंड देम लाइसोसोम। उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज किया रेड लिवर सेल को, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसके फ्रैक्शंस देखे तो उनमें उन्हें राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दी जिनमें कि कुछ फ्लूइड भरा हुआ था, एसिड फॉस्फोटेस था। बाद में उन्होंने उसको नाम दिया लाइसोसोम। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल्सो नोन है लाइसोसोमल, इसको लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोमल भी कहते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ है। लाइसिस मीन्स टू लूजन एंड सोमा मीन्स बॉडी। मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल WBCs एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोटोजोआ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, एनिमल सेल्स में होती हैं, WBC में होती हैं, एक्सेप्ट RBC, RBCs में नहीं होती। प्रेजेंट ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। देन इंट्रोडक्शन, द नेम ऑफ लाइसोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स टू डिजोल्व, टू रिलीज, टू लूजन एंड सोमा मीन्स बॉडी। ये लैटिन वर्ड से भी इसका हुआ है, ग्रीक वर्ड से भी, लैटिन वर्ड से भी। लाइसोसोम इसमें था लाइन, लाइन मीन्स डिजोल्व होता है कोई चीज़ या रिलीज होती है या लूज करते हैं, एंड सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी से रिलीज करना या लूज होना। बात वही है जो ग्रीक वर्ड था, उसी तरीके से ये लैटिन वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। दीज स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल और सुसाइड बैग्स। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती हैं सेल की और इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल वाइल इन यीस्ट एंड प्लांट, सम रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय लाइटिक वैक्यूल्स। ये एनिमल सेल्स में भी होती हैं, यीस्ट में भी, प्लांट्स में भी होती हैं और ये लाइटिक वैक्यूल्स की तरह इनका रोल होता है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होती हैं। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो इनका साइज होता है 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर। दे आर वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, इनका साइज और शेप डिपेंड करता है सेल पर और उस तरीके से कम और ज़्यादा होता रहता है। देन अकरेंस,
प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव लाइसोसोम बट सम हाइड्रोलेज हैव बीन लोकेटेड आउटसाइड द सेल। जनरली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोलेज में होती हैं। लाइसोसोम फाउंड इन हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स में सभी में पाई जाती हैं। एब्सेंट इन आरबीसीज एंड बैक्टीरिया, आरबीसी जो बैक्टीरिया में नहीं होती। देन मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे शेप एंड साइज। नॉर्मली राउंड बट इरेगुलर इंडिविजुअल सेल, ज़्यादातर हम देखते हैं राउंड होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया था राउंड होती हैं, लेकिन कभी कभी ये इंडिविजुअल सेल में इरेगुलर भी होती हैं। साइज 0.2 माइक्रोम्यू टू 0.8 माइक्रोम्यू, 5.0 माइक्रोम्यू इन मेमेलियन किडनीज एंड डब्ल्यूबीसी। मेमेलियन किडनी में इसका साइज बड़ा होता है, 5.0 माइक्रोम्यू होता है। देन इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, जैसे बताया था राउंड होती हैं, केवल डिविजिबल सेल में इरेगुलर होती हैं, तो यहाँ राउंड दिखाई दे रही है आपको। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखिए, और ये बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो देखिए मेम्ब्रेन इसमें ऊपर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बताया था इनमें एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेस एंजाइम, तो देखिए एंजाइम कॉम्प्लेक्सेज बीच में दिखाई दे रहे हैं। सिंगल वॉल मेम्ब्रेन, राउंड इन शेप, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेज प्रेजेंट। देन स्टडी करते हैं इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइसोसोम आर ग्लोब्यूलर एंड रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 0.2 टू 0.8 माइक्रोन। ये ग्लोब्यूलर होती हैं, ग्लोब के समान होती हैं, और इनका रेंज होता है डायमीटर का 0.2 से 0.8। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइसोसोम अपीयर डेंस एंड फाइनली ग्रेन्यूलर। यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो लाइसोसोम डेंस दिखाई देते हैं और ग्रेन्यूलर होते हैं। आप देखिए, इससे पहले जो डायग्राम दिखाया था इसमें कितना डेंसली दिखाई दे रहा है। लाइसोसोम एसेंशियली अ स्फीयर ऑफ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कंटेनिंग एंजाइम। देखिए यहाँ बताया स्फीयर शेप का है और इसमें एंजाइम होता है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है एंजाइम। अगेन हम डायग्राम देखते हैं, ये देखिए स्फीयर शेप का है, इसमें मेम्ब्रेन है, आप देखिए बाहर मेम्ब्रेन दी हुई है और अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। द मेम्ब्रेन इंसुलेट द एंजाइम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। इफ द एंजाइम आर रिलीज दे कैन डाइजेस्ट द सेल, हेंस लाइसोसोम आर समटाइम्स कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इंसुलेट द एंजाइम, इंसुलेट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल से। इफ द एंजाइम आर रिलीज, जब एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन डाइजेस्ट द सेल, सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, तो इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। देन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय अ सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। लाइसोसोम के ऊपर सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, अभी हमने डायग्राम में देखा ही है। द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सब्सटेंस ऑफ द एंजाइम कंटेंड इन द लाइसोसोम। ये इम्परमिएबल होती है एंजाइम के प्रति, द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के सबस्ट्रेट के प्रति ये इम्परमिएबल होती है, कंटेंड इन द लाइसोसोम। सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड लेबलाइजर्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो लेबलाइजर्स कहलाते हैं, कॉल्ड इनस्टेबिलिटी ऑफ द लाइसोसोम, जो लाइसोसोम की इनस्टेबिलिटी को शो करते हैं, उसका कारण होते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की इनस्टेबिलिटी का। लीडिंग टू रिलीज एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम से एंजाइम को रिलीज करते हैं, तो वो उसको इनस्टेबल बना देते हैं। अदर सब्सटेंस कॉल्ड स्टेबलाइजर, इसके अलावा जो और सब्सटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड स्टेबलाइजर्स, हैव अ स्टेबलाइजिंग एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, स्टेबलाइजिंग एक्शन होता है उनका। तो इस तरीके से दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक स्टेबलाइजिंग और एक इनस्टेबिलिटी वाले। तो स्टेबलाइजिंग में हम देखेंगे लेबलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स हैं कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द परमेबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
लाइसोसोम मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में। कंपाउंड हैविंग अ मोलिकुलर वेट हायर देन 200 डू नॉट डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर वेट 200 से ज़्यादा होता है वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अब आप इसका डायग्राम देखिए, यहाँ ये डायग्राम दिया। वैसे हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था जो कि सेल के अंदर लाइसोसोम कॉर्नर में दिखा रखा था, उसके बाद हमने इंडिविजुअली लाइसोसोम का एक सिंगल डायग्राम दिखाया था। अब यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस से प्राइमरी लाइसोसोम डिटैच हो रहे हैं बाय बडिंग, प्राइमरी लाइसोसोम देन फ्यूजन फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम। जब दो फ्यूज हो जाते हैं तो दे ये क्या बनाते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। द लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट सेल टाइप एंड इवन विद इन द सिंगल सेल। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं डिफरेंट सेल में, इवन विद इन द सेल, सेल के अंदर भी करते हैं। प्रीवियसली देयर आर टू टाइप ऑफ लाइसोसोम, ये दो तरह के लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी। देखिए डायग्राम में दिया हुआ है प्राइमरी लाइसोसोम, और बाद में ये फ्यूजन से जो बन रहे हैं ये होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। द लेटर आर थ्री टाइप्स, इसके बाद ये तीन तरह के लाइसोसोम और होते हैं, फैगोसोम, रेसिड्यूअल बॉडी एंड ऑटोफेगिक वैक्यूल। उसके बाद तीन होते हैं, स्टार्टिंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी जो फ्यूजन से बनता है, और बाद में तीन होते हैं, फैगोसोम, रेसिड्यूअल बॉडी एंड ऑटोफेगिक। देन प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसा कि डायग्राम में बताया था, प्राइमरी लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिटैच होने पर बनता है। द एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम। इसका एंजाइम किससे सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम से। इट कैन सिक्रीट इट्स एंजाइम आउटसाइड द सेल और स्टोर देम। ये एंजाइम सिक्रीट होता है सेल के आउटसाइड में। देन फैगोसोम इज फॉर्म्ड बाय फैगोसाइटिक और पाइनोसाइटिक और फॉरेन मटेरियल। ये जो फैगोसोम है ये फैगोसाइटिक एक्शन और पाइनोसाइटिक एक्शन के द्वारा बनते हैं। द फैगोसोम एसोसिएटेड विद अ प्राइमरी लाइसोसोम एंड अंडरगोज फ्यूजन विद सेकेंडरी लाइसोसोम। फैगोसोम किससे एसोसिएटेड रहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम से, और बाद में फ्यूजन से सेकेंडरी लाइसोसोम से। देन रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिड्यूअल बॉडी इज द फाइनल पार्टिकल कंटेनिंग इनडाइजेस्टिबल मटीरियल। ये होते हैं फाइनल पार्टिकल जिनमें इनडाइजेस्टिबल मटीरियल होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। ये कब होता है, जब डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है तो रेसिड्यूअल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। द ऑटोफेगिक वैक्यूल्स और ऑटोफेगोसोम इज अ लाइसोसोम कंटेनिंग सम पार्ट ऑफ द सेल इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ऑटोफेगी मीन्स खुद ले लेना। तो ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेगिक वैक्यूल ये कब बनते हैं, जब कुछ पार्ट सेल का इस प्रोसेस में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में हमने देखा, इसकी डिस्कवरी, इसका इंट्रोडक्शन, अकरेंस, मॉर्फोलॉजी, शेप एंड साइज, अल्ट्रास्ट्रक्चर, ये सभी हमने इसके बारे में, एंड पॉलीमॉर्फिज्म।